स्वागत है आपका इंटरनेशनल स्पेस अपडेट सीरीज के एक नए एपिसोड में। तो चलिए जानते हैं कि आज के टॉप स्पेस अपडेट्स कौन कौन से हैं। आज की जो पहली अपडेट है वह डार्क मैटर को लेकर है। जैसा कि आपने डार्क मैटर के बारे में तो सुना ही होगा और अब इसी के रिगार्डिंग वैज्ञानिकों के द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया है कि यह जो डार्क मैटर है वह अलग अलग प्रकार के टेलीस्कोप्स के द्वारा ढूंढे गए गैस जायंट एक्सोप्लैनेट्स के अंदर पाया जा सकता है और जिन गैस जायंट एक्सोप्लैनेट्स को अब तक डिस्कवर करा गया है हो सकता है कि वह सभी एक्सोप्लैनेट्स इसी डार्क मैटर से फेल हों और किसी गैस जायंट एक्सोप्लैनेट में डार्क मैटर मौजूद है या नहीं इसका पता तो केवल जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा ही लगाया जा सकता है जो कि इस साल के अंत में लॉन्च करा जाएगा। और ये जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है वह दूर मौजूद गैलेक्सीज को स्कैन करके वहां पर मौजूद इन गैस जायंट एक्सोप्लैनेट्स में डार्क मैटर के होने का पता लगा सकेगा। लेकिन किसी भी एक्सोप्लैनेट में डार्क मैटर मिलने की जो पॉसिबिलिटी है वह मात्र 100 में से 15 की है। बाकी हम आपको जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में तो बता ही चुके हैं, अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके उसको देख सकते हैं। आज की जो दूसरी अपडेट है वह स्पेस जंक को लेकर है। जैसा कि आपको पता है कि प्रेजेंट टाइम में अर्थ के ऑर्बिट में जो स्पेस जंक है वह काफी भारी मात्रा में मौजूद है और अब इसी को लेकर वैज्ञानिकों का यह कहना है कि अर्थ पर जो टेलीस्कोप मौजूद हैं उनके द्वारा नाइट स्काई में जिन स्टार्स पर रिसर्च करी जाती है उनकी रिसर्च में यह जो स्पेस जंक है वह काफी ज्यादा प्रॉब्लम को क्रिएट करती है और इसकी वजह से न केवल एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च बल्कि नेक्ड आइस से जो कॉस्मोस का व्यू है उसको भी सीधे तौर पर देखा नहीं जा सकता है। और वैज्ञानिकों का यह मानना है कि फ्यूचर में यह जो प्रॉब्लम है वह और भी ज्यादा इंक्रीज होगी क्योंकि कई सारे देशों के द्वारा पूरी की पूरी सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन को लॉन्च करा जा रहा है और प्रेजेंट टाइम में करीब 9300 टन के स्पेस ऑब्जेक्ट अर्थ के ऑर्बिट में ऑर्बिटिंग करते हैं और फ्यूचर में इनका जो नंबर है वह काफी ज्यादा बढ़ने वाला है। आज की जो तीसरी अपडेट है वह यंगेस्ट एक्सोप्लैनेट को लेकर है। जैसा कि हमने आपको हबल टेलीस्कोप के द्वारा डिस्कवर करे गए अब तक के सबसे यंगेस्ट एक्सोप्लैनेट के बारे में बताया था जो कि पृथ्वी से 379 प्रकाश वर्ष की दूरी पर डिस्कवर करा गया है और यह जो एक्सोप्लैनेट है वह एक ऑरेंज स्टार PDS 70 की ऑर्बिटिंग करता है। और हबल टेलीस्कोप के द्वारा डिस्कवर करे गए इस एक्सोप्लैनेट में जो सबसे खास बात है वह यह है कि यह जो एक्सोप्लैनेट है इसको फॉर्म हुए केवल 5 मिलियन ईयर्स ही बीते हैं, मतलब कि कॉस्मोस की स्केल पर यह एक न्यूबॉर्न स्टार सिस्टम है। और जिस एक्सोप्लैनेट को इस स्टार सिस्टम के ऑर्बिट में डिस्कवर करा गया है उसका नाम PDS 70B है और इस एक्सोप्लैनेट का जो साइज है वह जुपिटर प्लैनेट के साइज से भी बड़ा है। और इस एक्सोप्लैनेट की डिस्कवरी में जो सबसे अजीब बात है वह यह है कि यह जो एक्सोप्लैनेट है वह अभी भी मटेरियल को फीड कर रहा है, मतलब अभी भी यह जो एक्सोप्लैनेट है वह और भी ज्यादा बड़ा होगा। और इसके ऊपर हम एक शॉर्ट वीडियो पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं जिसको कि आप आई बटन पर क्लिक करके आसानी से देख सकते हैं। आज की जो चौथी अपडेट है वह इसरो के द्वारा लॉन्च करी जाने वाली GSAT-1 सैटेलाइट को लेकर है। जैसा कि आप सभी को यह पता है कि प्रेजेंट टाइम में जो कोरोना वायरस है वह भारत में कितनी तेजी से फैल चुका है और इसी चाइनीज वायरस के चलते दिन ब दिन भारत में जो डेथ है वह भी इंक्रीज होती जा रही है। और इसी को देखते हुए इसरो के द्वारा जो अपनी GSAT-1 सैटेलाइट का लॉन्च 18 मई को शेड्यूल करा गया था अब इसको शायद एक बार फिर से पोस्टपोन करना पड़ सकता है क्योंकि जिस तरह से भारत के अलग अलग शहरों में ऑक्सीजन की शॉर्टेज को देखा जा रहा है उसको पूरा करने के लिए भारत में जो अलग अलग पब्लिक कंपनीज हैं उनके द्वारा मदद करी जा रही है और इसरो भी इन कंपनीज में शामिल है। और जैसा कि आपको पता है कि यह जो GSLV-MK2 रॉकेट है जिसकी मदद से इस सैटेलाइट को लॉन्च करा जाना है उसमें भी ऑक्सीजन का एक भारी मात्रा में यूज करा जाता है। तो अब इसी को देखते हुए यह जो GSAT-1 सैटेलाइट का लॉन्च है इसको 18 मई से आगे बढ़ाया जाएगा और इसकी जो नेक्स्ट लॉन्च डेट है उसको जल्द ही इसरो की तरफ से अनाउंस करा जाएगा। आज की जो पांचवी अपडेट है वह चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा करी गई एक गिरी हुई हरकत को लेकर है। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि प्रेजेंट टाइम में जो भारत में कोरोना वायरस है वह अपने पीक पर है और इसी वजह से भारत में कई सारे लोगों की कोरोना वायरस से मृत्यु भी हो चुकी है। और इसी को देखते हुए चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसकी सेंट्रल पॉलिटिकल एंड लीगल अफेयर्स कमीशन के द्वारा अपने वीवो अकाउंट पर एक इमेज को शेयर करा गया था जिसमें भारत के क्रिमेशन ग्राउंड्स पर जो कोरोना पॉजिटिव डेड बॉडीज को जलाया जा रहा है एक और उसकी जलती हुई पिक्चर को शो करते हुए वही दूसरी ओर चाइना का जो स्पेस स्टेशन मॉड्यूल था उसकी लॉन्चिंग की इमेज को शेयर करते हुए एक कैप्शन को डाला गया था जिसमें यह लिखा गया था कि किस तरह चाइना लाइट्स को फायर करता है और किस तरह इंडिया लाइट्स को फायर करता है, मतलब कि चाइना के द्वारा अपने रॉकेट इंजन की जो लाइट थी उसको भारत के बर्निंग पायर्स की लाइट से कंपेयर करा
आ गया था और इसके बाद ही जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी है उसको अपने ही देश में काफी ज्यादा विरोध सहना पड़ा था, जिसके बाद इस वीवो अकाउंट से यह जो इमेज थी उसको डिलीट कर दिया गया था। और जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि प्रेजेंट टाइम में भारत में जो कोरोना वायरस के केसेस हैं वे अपने पीक पर हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भारत से यह कोरोना वायरस कभी भी नहीं जाएगा। और जो चाइना है उसकी जो भारत के रिगार्डिंग जो इतनी घटिया सोच है इस पोस्ट से उसका पता चलता है। बाकी चाइना के बारे में हम क्या ही कहें, क्योंकि जो चिंदी लोग होते हैं उनकी सोच भी बिल्कुल चिंदी होती है। तो आपके दिमाग में चाइना के रिगार्डिंग जितना भी आक्रोश है वह सब आप कमेंट सेक्शन में जरूर निकाल सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में रखते हैं बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ ही हिंदी स्पेस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।